हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारा लेग डे। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था, कुछ दिनों नहीं आज ही सोचा है कि मैं एक कैलोरी डेफिसिट में खाना खाऊंगा, क्योंकि 21 डेज टू गो फॉर ट्रिप। और मैंने 3 महीने पहले सोचा था कि मुझे एक परसेंटेज पे अपना फैट, बॉडी फैट को लेके जाना है, लाइक 10% के नीचे लेके जाना है मेरे बॉडी फैट को। मेरा पहले से सपना रहा है, और मेरे को पता है कि 3 महीने में नहीं हो सकता, बट जब तक मैं ट्रिप पे जाऊँ तो मेरी बॉडी थोड़ी बहुत श्रेडेड तो नहीं बोल सकता, पर फैट आई थिंक अभी मेरा पता नहीं 18 कुछ हो सकता है, तो आई थिंक हम लोग 12 या 11 तक जा पाए इतना ट्राई करना है। तो या कल से या आज से ही, वैसे तो मैं हर रोज़ लाइक ट्राई करता था कि 2500 कैलोरीज खाना चालू करूँ जब से मैंने जिम चालू किया है, बट वो गिनता था मैं ऐसे ही लाइक क्या बताऊँ तुम्हें, ऐसे ही माई फिटनेस पैल यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो कैलोरीज में ऐसे अजम्पशन में कि मेरा मेरे पास एक बाउल में चना है, तो मैं बस वो बाउल के हिसाब से ही गिनता था कि कहले कि ये 100 ग्राम इतना होगा, ऐसे ही गिनता था। तो अभी देखेंगे, अमेजोन से मंगाऊंगा मैं कुछ, और वेट उसको कम्प्लीटली कैलकुलेट करने के लिए कुछ ट्राई करेंगे। और डेली का स्टेप गोल 10,000 स्टेप्स रहेंगे, और उससे आगे मैं मेरे खुद के लिए ट्राई करूँगा कि 10,000 से 15,000 पहुँचाना, बट 10,000 तो घर नहीं है। और बस तो 2500 मैं खा रहा हूँ, मैं ये अजम्पशन कर रहा हूँ कि 2500 खा रहा था मैं, तो उसको आज मैंने कम किया, एक रोटी कम कर दी मैंने, और एक केला कम कर दिया, आई थिंक एक बनाना कम कर दिया, तो आई थिंक 150 कैलोरीज कम की है। 150 कैलोरीज करो तो 200 ही कर देते हैं, तो 2300 हो गया, तो 2300 की है। धीरे धीरे एक एक हफ्ते, आई थिंक 3 हफ्ते बाकी है, एक एक हफ्ते 100 कैलोरीज कम करते जाएंगे, 100 या 150। और मेरे को ये करना है कि लास्ट हफ्ते में मैं 2000 या 1900 कैलोरीज खाऊँ लास्ट हफ्ते में, तो ये ट्राई रहेगा। और फुल वेट ट्रेनिंग रहेगी, देखते हैं, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, बट विल ट्राई। मेन गोल ये रहने वाला है कि मैं मेरा प्रोटीन इंटेक कितना करूँगा, क्योंकि इतना खाना खाने के बाद भी मेरा प्रोटीन 110 ग्राम्स जा रहा था, तो मेरे को बॉडी वेट डबल जाना है, मतलब 140 या 120 जाना है। मैं कैलोरी डेफिसिट में खाऊँ कल थी भाई, तू डेफिसिट में मत जा भाई, थोड़ा खा ले तू। ट्रिप पल्ला बॉडी थोड़ी फैट लॉस करो, फैट है इसको फैट बोलते हैं इसको। अरे तो ये नहीं है मारे जे गोल करो जे ना थी एने एने हटे तो फैट के भाई, तो ट्रिप पल्ला कुछ करो। तो कल थी कंपेट 2500 कैलोरी खाता था मैं, तो 2300 करीस भाई, 22 21। मैं दो केले कम खा लूंगा। हाँ आज एक रोटली ऊँची कर दी थी और एक केड़ो ऊँची कर दी, मत यार। तो नेक्स्ट टाइम, अरे फिर मैं फिर मेन गेनिंग चालू कर दी। मैं 6 रोटी खाता हूँ, फिर अभी शाम को भात खा क्या, राइस खा क्या, अभी फिर जगह जाकर फिर से राइस पे लूंगा। नहीं नहीं मैंने थोड़ी जल्दी करो, मैंने और एक्सरसाइज भी थोड़ी चेंज करी इसमें, लेट्स गो। तो आज प्लान में थोड़े चेंजेस है, मैं स्क्वाट्स मार रहा हूँ ना, तो उधर मैं पूरा थक जा रहा हूँ, थक तो नहीं बन सेकेंड टाइम में, फिर एक बार टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है स्क्वाट में, तो आज स्क्वाट का खाली क्वाड्स एक्टिवेट करने के लिए स्क्वाट्स मारेंगे, फिर मेन प्रेस, क्वाड एक्सटेंशन, आरडीएल और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। ओके लेट्स गो।
का डन। बाकी मैं वेट चेक करना भूल जाया था, अभी वेट चेक कर लेते हैं। देखो सुबह में नहीं कर सकता बट ओके 70 105। स्क्वाट का एक्सरसाइज सेट करना इज द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि अब मेरा लेग प्रेस ख़त्म हो चुका है, अब मैं आ गया हूँ लेग कर्ल्स पे, ठीक है। और अभी बजे खाली 8:50 तक मैं स्क्वाट्स पे ही बैठा रहा हूँ, पहले आता है तो नाइस प्रोसेस जल्दी ख़त्म होगा, एप्स पे ध्यान देने पाएंगे दे पाएंगे। लेट्स गो फॉर द लेग कर्ल्स एंड क्वाड एक्सटेंशन और RDL देन विद काफ फास्ट। After 1 week, we got hamstring curls में 12 and 50 kg. Next time से graduate होगा। I'm more than happy today. So, you know guys, my favorite number. आज इतना weight मारना है क्योंकि 64 में 12 लेग एक्सटेंशन इनका फंडा ही समझ नहीं आ रहा। आज एक रेक्स फिर से बढ़ा है 69 का, सब में 12 12 12। भाई वेट बढ़ाता ही जाऊंगा मैं क्या भाई, वो पेन भी बहुत होता है एक तो, बट लेट्स गो हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आउटडोर थोड़ा छोटा रखेंगे, आज मज़ा आया भले ही मैंने वो बंद कर दिया है स्क्वाट्स, बट या स्टिल वर्कआउट गोइंग वेल, क्वाड्स बहुत सही खाए और आज भी क्वाड एक्सटेंशन में वाइप 12 12 12। 69 से अब जाना पड़ेगा लगता है, लेट्स गो। अच्छे गए हैं, अभी तो लेग्स नहीं दिखा सकता क्योंकि अच्छा ही नहीं, अभी थोड़ा कट करने दो हैवी, फिर मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो इफ यू गाइस आर न्यू एट दिस चैनल, ये कैलोरी डेफिशिएंट हमने मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, बहुत कुछ रिसर्च भी करूँगा। तो हाँ, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, हम लोग जाएंगे एक सिंगल डिजिट तो नहीं बोल सकता 20 दिन में, बट 10% to 11% ट्राई करूँगा फुल ट्राने का। ओके तब तक के लिए कीप काम, टॉक लेस, डू मोर।